बिग बॉस के घर में हर कोई अपने अपने आप को प्रूफ करने में लगा हुआ है, तो वहीं काफी सारे सेलेब्स हैं जो घर के बाहर से उनके गेम को एनालाइज करने के लिए बैठे हैं। बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे, नील भट्ट, विकी जैन, ऐश्वर्या शर्मा, ये चार कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो अपने अपने पार्टनर्स के साथ पहुंचे। इनके साथ ही साथ काफी सारी लाइमलाइट भी इनके साथ घर में एंटर की गई और उसके बाद इन चारों से काफी उम्मीदें लगाई गई। अंकिता और विकी तो काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन नील और ऐश्वर्या को एक वेकअप कॉल दिया गया जिसके बाद अक्सर ऐश्वर्या और नील अननेसेसरी फाइट्स में पोक करते हुए, इनफैक्ट इंडल्ज होते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में काम्या पंजाबी और राहुल वैद्य, जो खुद बिग बॉस के घर की हवा को झेल चुके हैं अपने अपने सीजन्स में, उन्होंने इस सीजन को भी फॉलो किया और इन सभी पर अपना रिएक्शन दिया। ट्विटर पर अपने काफी बोल्ड वर्ड्स के साथ उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नील भट्ट, अंकिता लोखंडे, विकी जैन की बात की। आपको बता दें, रिसेंटली अंकिता और विकी की फाइट हुई थी जिसमें विकी के बार बार पूछे जाने के बावजूद अंकिता ये कहती नजर आई थी कि कुछ नहीं हुआ है। अब इसी पर काम्या पंजाबी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिना प्रॉब्लम के भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे, गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ अंकिता, अभी रास्ता बहुत लंबा है, यू आर इन अ गेम शो, विकी इज गोइंग सो गुड, आई होप दिस गेट्स सॉर्टेड सून, #BigBoss17 #ColorsTV। वेल, आपको बता दें कि उनके इस फाइट में हर किसी ने विकी का साथ दिया था क्योंकि विकी यहाँ काफ़ी सॉर्टेड नजर आए थे। विकी जैन जो अपने पर्सनल रिश्ते के साथ साथ गेम पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वहीं अंकिता बार बार सिर्फ एक ही ब्लेम करती नजर आती हैं कि विकी जैन उन पर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। विकी जैन गेम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनका ध्यान अंकिता के ऊपर से तो हट ही गया है और इस बात को लेकर वो क्रिब करना शुरू कर देती हैं। बस फिर क्या, विकी जैन भी एक हद के बाद उनसे इरिटेट हो जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कह देते हैं। उनका कहना है कि भाई अंकिता को सिर्फ अंकिता दिखती है, उनको मेरा गेम पसंद ही नहीं आ रहा। वहीं बात करें नील भट्ट की, तो भाई नील भट्ट कल के एपिसोड में एक अननेसेसरी एग्रेशन दिखाते नजर आए जहां उनका एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा फेक लगा और इसी पर राहुल वैद्य ने एक ट्वीट किया। राहुल वैद्य जो खुद बिग बॉस के खिलाड़ी रह चुके हैं और टॉप 2 तक पहुंचे थे सीजन 14 में, तो भाई वो काफ़ी हद तक जानते हैं कि बिग बॉस के घर में क्या होता है क्या नहीं। तो राहुल वैद्य ने एक ट्वीट किया नील के ऊपर और कहा कि समवन प्लीज टेल नील इट्स अ रियलिटी शो नॉट अ डेली शो, क्या एक्टिंग करता रहता है ये लड़का, बिग बॉस प्लीज कॉल हिम फॉर अ थेरेपी अगेन। वेल, आपको बता दें कि नील और ऐश्वर्या को एक थेरेपी रूम में भेजा गया था जहाँ उन्हें शो से रिलेटेड कुछ गाइडेंस भी मिली थी, उन्हें किस तरह से बिहेव करना है किस तरह से नहीं। उसके बाद से उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया कि बिग बॉस के घर में अगर वो अननेसेसरी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो वो दिखेंगे नहीं, और यही वजह है कि नील भट्ट का ऐसा रिएक्शन यहाँ सामने आया जिसे राहुल वैद्य ने एड्रेस किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। काम्या पंजाबी और राहुल वैद्य के इन ट्वीट्स पर और उनके रिएक्शंस पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बिग बॉस 17 में आपको किसका गेम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, कौन है आपके टॉप 2, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बिग बॉस और बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहे फिल्मी बीट।